महावीर इंटरनेशनल अपेक्ष के 48वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में महावीर इंटरनेशनल वामावीरा केंद्र सागवाड़ा द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विषय पर विभिन्न विद्यालयों में ड्राइंग कंपटीशन का हुआ आयोजन। वामावीरा चेयरमैन तिलक नंदिनी शाह ने दी जानकारी। सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता की कार्यशाला हुई आयोजित। सीईओ ने शत प्रतिशत मतदान हेतु विशेष कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। उपखंड अधिकारी यतीन्द्र पोरवाल, विकास अधिकारी मुलाराम सोलंकी, गलियागोड़ उपखंड अधिकारी पंकज कलासुआ सहित डूंगरपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ भी रहे मौजूद। भारतीय किसान संघ जिला डूंगरपुर की संघ के कार्यालय में बैठक हुई। संपन्न सदस्यता अभियान के बारे में हुई चर्चा। किसानों को सरकार की ओर से मिल रही मदद और समस्याओं के बारे में भी हुई चर्चा। भारतीय किसान संघ लल्लूराम पाटीदार ने दी जानकारी। प्रदेश कार्य समिति से पधारे हुए पुष्कर जी नागौर की मुख्य विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुई बैठक में डूंगरपुर जिले से के सभी तहसीलों से आए हुए सभी तहसील के अध्यक्ष एवं मंत्रियों ने किसानों के विभिन्न समस्या के समाधान के लिए प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला कार्यकारिणी के सामने किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान के लिए अपनी मांग रखी। अनुदानित समायोजित रिटायर्ड शिक्षा कर्मियों को पुरानी पेंशन देने की मांग, क्या है मांग सुनिए। मित्रों, राजस्थान के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने पूरे राजस्थान के सभी राजकीय उपक्रमों, स्वायत्त शासी निकायों, विश्वविद्यालयों आदि सभी संस्थाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू कर दी है। लेकिन मीडिया के मित्रों को आश्चर्य होगा कि राजस्थान में अभी भी अनुदानित समायोजित रिटायर्ड लगभग 3,838 शिक्षा कर्मचारियों को अभी तक पुरानी पेंशन प्राप्त नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लाखों कर्मचारियों का उद्धार कर दिया है, तो हम राजकीय कर्मचारियों को भी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, केवल 3800 शिक्षा कर्मी ऐसे बचे हैं जिनको पेंशन, पुरानी पेंशन नहीं मिली है। राजस्थान ग्रामीण सेवा अधिनियम 2010 के अंतर्गत सभी अनुदानित संस्थाओं के शिक्षा कर्मियों को जुलाई माह 2011 में राजकीय सेवा में समायोजित किया गया था और जिन्हें एनपीएस में डाल दिया गया। हमारे संगठन ने सन 2012 में राज्य सरकार के विरुद्ध एनपीएस के बदले ओपीएस देने हेतु राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में केस दायर किया था, जिसमें सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।